नगर निगम धर्मशाला की डंपिंग साइट के विरुद्ध में आज सुधेड़ के ग्रामीणों ने गांधी वाटिका कोतवाली बाजार में एनएच पर चक्का जाम किया। ग्रामीणों सहित महिलाओं ने डंपिंग साइट की वजह से हो रही परेशानी के विरोध में चक्का जाम करते हुए प्रशासन से डंपिंग साइट को हटाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लगभग एक घंटे तक चक्का जाम लगने के चलते SDM धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू ग्रामीणों को शांत करने मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण मानने का नाम नहीं ले रहे थे। महिलाओं का कहना है कि यदि प्रशासन ने डंपिंग साइट की समस्या से निजात नहीं दिलाई तो ग्रामीण डंपिंग साइट पर कूड़े की गाड़ियां नहीं जाने देंगे। दिन में महिलाएं डंपिंग साइट के बाहर गाड़ियों को रोकेगी, वहीं रात को ग्रामीण युवक गाड़ियों को डंपिंग साइट के भीतर नहीं जाने देंगे। SDM द्वारा एक कमेटी बनाकर जिला व नगर निगम प्रशासन से बैठक करके समस्या का हल निकालने के लिए आश्वासन पर ग्रामीणों ने यातायात बहाल होने दिया। गौरतलब है कि बागेश्वरी महिला मंडल सुधेड़ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर एक माह के भीतर डंपिंग साइट की वजह से हो रही परेशानी से निजात दिलाने की मांग की थी। SDM धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू ने कहा कि लोगों ने बताया कि डंपिंग साइट की वजह से पॉल्यूशन रहता है, डंपिंग साइट की वजह से दुर्गंध आती है। इसमें जैसा कि लोगों के साथ बातचीत की है, उनकी भी बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि डंपिंग साइट की वजह से काफी वहाँ पॉल्यूशन रहता है और लोगों का कहना है कि पूरी दुर्गंध आती है। इसके लिए MC ने भी एक डिटेल्ड प्रोग्राम बनाया हुआ है ताकि कूड़े का प्रॉपर प्रबंधन कर सकें। इसमें घर से ही जैसे सेग्रीगेटेड कूड़ा आएगा तो यहाँ प्रबंधन आसान हो जाएगा। उसके लिए कुछ मशीनों का भी प्रावधान किया जा रहा है ताकि यहाँ पे कूड़ा सेग्रीगेटेड आए और उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो जाए और लोगों को स्मेल ना आए। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इसको जहाँ से इसकी साइट शुरुआत होती है वहाँ से प्रॉपर दीवारें बंद करने के बाद इस पूरे कूड़े को एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से उसके प्रबंधन करना जो है बड़ा ज़रूरी है, तभी लोग शिकायतें इनकी लोगों की बंद हो पाएगी। लेकिन सर, लोग यहाँ से इस डंपिंग साइट को हटाने की मांग कर रहे हैं तो उसको किस तरह से देख रहा है? इसका निर्णय तो सरकार के हाथों में है। हालांकि अगर ऐसा लगता है कि इस जगह से कहीं और अनियंत्रण करना तो वैसे MC की तरफ से इसका प्रस्ताव तो चला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर साइट मिल नहीं पाई है। अगर ऐसा होगा तो वो भी एक ऑल्टरनेट है। जनता को किस तरह का आश्वासन दिया होगा? जनता को हमने कहा कि आप पहले अपनी वार्तालाप जो है वो MC और प्रशासन के साथ करें और अगर वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर अगली कार्यवाही करें। अब बिना कोई समय दिए सड़कें रोकना और लोगों को अननेसेसरी प्रॉब्लम में डालना उचित नहीं है। तो काफ़ी लोग सर चक्का जाम से परेशान भी हुए हैं, लगभग आधा घंटा घंटा जो है सड़क जाम रही है, हाईवे जाम रहा है, तो प्रशासन इसको कैसे देख रहा है? हम तो इसे अच्छा नहीं मानते क्योंकि सड़क रोकना जो है वो एक अपराध है और हमने लोगों को कहा सड़क रोक के अपना एजिटेशन ना करें, लेकिन प्रशासन के पास आए, MC के पास आए और कोई ना कोई हल जो इसका ढूंढा जाएगा। क्या सड़क जाम करने वालों पर भी कोई कार्रवाई होगी जो जिन्होंने बिना कारण किया? फिलहाल तो ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, पर आगे से अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो कार्रवाई की जा सकती है। थैंक यू। ठीक है। लाइफ टाइम्स TV के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स TV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।